लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यहाँ मंगलमय शुभारंभ होता है। ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति असूयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी की रचना करके जब श्री हरि नारायण प्रभु को दिखाई तो प्रभु ने पूछा, व्यास जी इस ग्रंथ का नाम क्या है? व्यास जी ने कहा, इसका नाम है भागवत। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवत। भगवान ने जो जो कहा वो क्या है? भागवत है। इसमें भगवान की महिमाओं का विवरण है। अब वहां पर श्री लक्ष्मी जी बैठी थी, बोली, व्यास जी इसमें मेरा तो कहीं नाम नहीं आया। व्यास जी कहते हैं, हे माता जी, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ भी क्या होगा? व्याकरण के हिसाब से भागवत ही बनेगा। इस प्रकार आपका भी नाम आ गया। लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा नहीं, स्पष्ट नाम आना चाहिए, हमारा स्पष्ट नाम आना चाहिए। तो व्यास जी ने उसमें श्रीमद् शब्द को और जोड़ दिया। श्री क्या हो गया? श्री से अर्थ स्पष्ट हो गया और इस ग्रंथ का नाम हो गया श्रीमद् भागवत। बोलिए, श्रीमद् भागवत भगवान की। बड़ा सुंदर वर्णन भागवत के प्रथम स्कंद में व्यास जी ने किया। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से ये जो पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पूरा विश्व जिसकी इच्छा से ही बनता है, मन में इच्छा होती है भगवान की, तुरंत सारा विश्व बन जाता है। और उसी के द्वारा ये सारा संसार क्या होता है? पालित होता है। इसका पालन कौन करता है? वही भगवान करते हैं। और अंत में लय भी वही करते हैं। वह पर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं क्या किया? वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया। वो कैसे हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी वेद दिए, वेदों का ज्ञान दिया? कैसे हैं वो परमात्मा? कहते हैं स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, अपनी
अपने प्रकाश से सारी दुनिया को जो प्रकाशित करता है ऐसा है वो परब्रह्म। जिसको समझने में बड़े बड़े सूर लोग जो होते हैं वो भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं, और जिसकी माया से ये झूठा संसार भी कैसा लगता है, सत्य प्रतीत होता है। थोड़ी देर के लिए अपने मन में विचार करो, हम अपने घर में सोए हुए, हम सपना देख रहे हैं, हम बाबा बालकनाथ मंदिर में बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। मन की गहराई से सोचना, आपको थोड़ी देर में खुद ही हो जाओगे, अरे वास्तव में सपना ही तो नहीं है, ये संसार क्या है, झूठा है। सच क्यों लगता है, क्योंकि ये उस परमात्मा की माया है और उसकी माया के द्वारा हमें ये सब सत्य प्रतीत होता है। माया और माया के कार्यों से जो सर्वदा परे है, ऐसे परम सत्य की हम क्या करते हैं, वंदना करते हैं। सबको तो माया के चक्कर में डाल देते हैं, लेकिन अपने आप माया से माया इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे परम जो सत्य है उनको हम प्रणाम करते हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। सत्यम परम थी वही, भागवत जी में सत्य का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ही भागवत में सबसे अधिक सत्य सत्य कहकर पुकारा गया है गोविंद को। जब गोविंद गर्भ में थे तो देवताओं ने क्या किया था, भगवान की स्तुति की थी। कैसी की थी, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्र सत्यात्मका त्वां शरणं प्रपन्ना। बार बार क्या कहा, सत्य सत्य कहकर वंदना की। इसलिए सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। और कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण, जन्माद्यश्ययतः जन्माद्यश्ययतः आद्यश्य जन्मादि विकार रहित स्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो भगवान अजन्मा है, आदि और अंत से जो परे हैं, वे परमात्मा भक्तों को परम आनंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए। कहां हुए, वसुदेव जी के घर में। अब आप कहेंगे नहीं जी, घर में कहां हुए थे, बंदी गृह में हुए थे। लेकिन शास्त्र कहता है कि न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। और वसुदेव पत्न्यां देवक्यां, वसुदेव जी की पत्नी कौन है, देवकी। और देवकी के गर्भ से क्या हुआ, जन्म लिया गोविंद ने। इसलिए क्या कहा है कि वसुदेव जी के घर में जन्म लिया। अन्वयादितरतः
अनुपश्चात अयात अगच्छत, और जन्म लेते ही क्या हुए, वहां से भी भाग लिए, कहां से बंदी हुए से भागे ना, इतरतः इतर किधर, इतर गोकुल जन्म लिया और मामा के बंदी गृह से मथुरा में, और जन्म लिया मथुरा में और जन्म लेते पहुंच गए गोकुल धाम में। अर्थवेश विज्ञा अर्थेशु कंस वचनादि प्रयोजनेशु अभिज्ञः निपुणः। कन्हैया कितने कुशल है कि मामा कंस के बंदी गृह में जन्म लेकर गोकुल पहुंच गए और कंस मामा को पता ही नहीं चला। ऐसे परम निपुण परम कुशल है हमारे केशव, और गोकुल में अपने श्री दामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच गोप वेश में सुशोभित हुए। तेरे ब्रह्म हिरण्यादिक वै मृहंतिय सूर्य, ग्वाल बालों के बीच में भगवान सुशोभित हुए, और इस जिस ब्रजभूमि में आकर ऐसी लीलाएं की, इतनी विचित्र विचित्र प्रभु ने लीलाएं की कि देख कर एक बार चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। क्या हो गए, पहचान नहीं पाए, अरे कैसा भगवान है, जंगल में ग्वाल बालों के साथ में जो है झूठा खाता है, हाथ पैर नहीं हुए, मिट्टी लगी हुई, वैसे खाना खा रहा है, वैसे ही जो फल तोड़ रहा है, जैसा कोई साधारण बालक रहता है, ब्रह्मा जी भी विमोहित होते। और ऐसे चक्कर में एक बार ब्रह्मा जी पड़ गए परीक्षा लेने के लिए, व्रत के ग्वाल बालों और बछड़ों को ही चुरा कर ले गए। लेकिन ब्रह्मा जी को अपनी भगवता बताने के लिए भगवान क्या हो गए, स्वयं उतने बछड़े बन गए, स्वयं ही उतने ग्वाल वाले बन गए, और अपने स्वरूप को प्रकट करते इतना विस्तृत कर दिया, ब्रह्मा जी को भी दिखा दिया, देख चरने वाले भी हम ही हैं और चराने वाले भी हम ही हैं, बनाने वाले भी हम ही हैं और उसको लय करने वाले भी हम ही हैं। दशम स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ साथ उनके लाठी डंडा कपड़े तक बन गए, क्योंकि विश्व रूप जो भगवान है सब कुछ बनने में समर्थ है। ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, कन्हैया जब बंसी की मधुर तान छेड़ते हैं और जिसके कानों में भी उनकी बंसी की तान सुनाई देती है, समस्त चीजों को भूलकर समस्त भान भूलकर कन्हैया की वंशी रव का श्रवण करके कल कल कल्लोल कर दी हुई कालिंदी का जो कल रव है वो भी कुंठित हो जाता है, जिसके कानों में भी पड़ती हो दौड़ पड़ता है, यहां तक जो कालिंदी नदी है उसका जो जल है जैसे ही वंशी की ध्वनि सुनाई देती है कालिंदी का जो जल है वो रुक जाता है, ठहर जाता है, और गिरिराज गोवर्धन के पास में जब बंसी बजाते हैं तो वहां जो पाषाण है जो पत्थर है वो क्या होते हैं,
इतने द्रवित हो जाते हैं कि जल बल कर बहने लगते हैं, अर्थात जल में पाषाण का धर्म आ जाता है। जल क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है और जो पाषाण है पत्थर वो बहने लगता है। पाषाणाधे द्रवत्वम यमुना या कठिनत्वम। ऐसे भगवान की विचित्र लीलाएं हैं। भगवान के तीन धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। ये तीनों धामों का जो परिकर है वह नित्य है। जैसे वृंदावन में कौन है? श्रीरामा, मधुमंगल, नंद, यशोदा आदि। मथुरा में अक्रूर जी, उद्धव जी और द्वारिका में रुक्मणी, सत्यभामा आदि जो भी परिकर है, तिरसरगा, अमृषा, सत्या, उन सत्यानंद भगवान का समस्त परिकर भी कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप ही है। ठाकुर जी जब जब अवतार लेते हैं तो क्या करते हैं? पूरी मंडली के साथ भी मधारते हैं। और आज से लगातार 7 दिनों तक हम आप भी गोविंद की लीलाओं का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, श्रवण के साथ साथ में मनन भी करना है, तभी हमारा कथा श्रवण करना सार्थक है। क्योंकि सत्य को हम अपने जीवन में अगर नहीं अपना पाए तो कोई भी चीज क्या है? सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। यही जीवन का सार है और यही जीवन का परम तत्व है। श्रीमद् भागवत जी में एक बहुत सुंदर बात लिखी हुई है कि धर्मा प्रोजित कैत गोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। परम धर्म का निरूपण किया गया है भागवत जी में। अब ये परम धर्म है क्या? तो कहते हैं परम धर्म है कृष्ण की कथा, जो निष्कपट संत है, जिनके मन में कोई चाह नहीं है, ना वैकुंठ के ना मुक्ति के, ऐसा निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों को जानने योग्य जो परम धर्म श्री कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। अब वो कृष्ण कथा कैसी है? तो कहते हैं कृष्ण कथा शिवदम। शिवदम
शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। कल्याण करने वाली है और कैसी है? तापत्रयोन्मूलनम्, तीनों प्रकार के तापों का क्या करती है? उन्मूलन करती है। तीनों प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। श्रीमद् भागवत कथा अगर हमने सुन ली, सुनने की तो छोड़ो, अगर हमने अपने मन में एक बार संकल्प कर लिया हम कथा सुनने जाएंगे तो क्या होगा? जैसे ही हम सोचते हैं ना, घर में जिस दिन हमने सोचते आज वहां भागवत हो रही है, हमने जाना है, तो हृदय में किस चीज का प्राकट्य होता है? मन में अपने आप भगवान कृष्ण की छवि प्रकट हो जाती है, होता है ना ऐसे, छवि अपने आप ही प्रकट हो जाती है। और भागवत जी की इतनी महिमा है कि भगवान का प्राकट्य मन में हो जाता है। एक प्रश्न आता है कि श्रीमद् भागवत जी का आरंभ कैसे हुआ? प्राकट्य कैसे हुआ? निगाम कल्प तरूर गलितं फलम् सुख मुखादमृत्र द्रव्य संयुतम् पिबतं भागवतं ऋषिमालयम् मुहुरहो रसिका भुविभावकः। निगम कहते हैं वेद। निगम क्या है? वेद। वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम क्या है? निगम। अर्थात वेद रूपी सुंदर वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। और उसी वृक्ष की उच्च शाखाओं से टपक कर नीचे टपका, तो किसी ने पूछा जिज्ञासु ने जब ये पका हुआ फल गिरा तो तब तो ये जरूर टूट गया होगा, फूट गया होगा ये तो। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि ये फूटा हुआ फल नहीं है, ये सीधा नीचे नहीं गिरा। अगर सीधे गिरा होता तो शायद टूट जाता, फूट जाता, पर ये शाखा प्रतिशाखा के द्वारा धीरे धीरे धरातल पर आया। सबसे पहले भगवान श्रीमद् नारायण की दिव्य शाखा से ये फल टपका। चतुश्लोकी भागवत के रूप में ये जो यह भी भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। सबसे पहले भागवत को भगवान श्री नारायण ने किससे कहा? ब्रह्मा जी से कहा। फिर ब्रह्मा जी की शाखा से टपका और नारद जी की शाखा पर ये अटका। ब्रह्मा जी ने नारद से
भागवत की कथा भागवत जी की महिमा सुनाई और नारद जी की शाखा से व्यास जी की शाखा पर नारद जी ने वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई और फिर व्यास शाखा से टपक कर कहां पहुंचा? सुख शाखा। सुखदेव जी महाराज। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।